नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की कुंडली में बुधदेव का रत्न पन्ना आप किन परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं और कब इसे आपको धारण नहीं करना चाहिए। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। रत्न संबंधी जानकारी प्रदान करने से पहले यहाँ पर हम आपको तुला लग्न और बुधदेव के बारे में कुछ साधारण सी बातें शेयर कर देते हैं। तुला लग्न के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव इस कुंडली के स्वामी होते हैं और यह तुला लग्न जो होता है वो वायु तत्व वाला लग्न होता है और चर लग्न होता है। यहाँ पर इस लग्न में आप कोई भी काम करते हैं आपको कहीं ना कहीं अच्छे फल ही प्राप्त होने वाले होते हैं। तुला लग्न के स्वामी शुक्रदेव ने बुधदेव को क्या दिया? वैसे एक चीज देखा जाए तो बुधदेव और तुला लग्न यानी कि तुला लग्न के स्वामी शुक्रदेव के साथ कहीं ना कहीं अच्छे बुरे संबंध होते रहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि शुक्रदेव जो है वो बुधदेव की राशि कन्या में जाकर नीच के होते हैं और जहाँ पर शुक्रदेव उच्च के होते हैं वहाँ पर बुधदेव जाकर नीच के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में विरोधाभास की स्थितियाँ बनी हुई रहती ही रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैसे देखा जाए तो तुला लग्न में लग्नेश शुक्रदेव ने बुधदेव को भाग्य स्थान का स्वामी बनाया, एक घर तो त्रिकोण में दे दिया, बहुत अच्छा घर दे दिया, भाग्य धर्म पिता और आपके जीवन में जो भी आपको अच्छी चीजें प्राप्त होती है फॉर्चून लक वगैरह इन सब का स्वामी बुधदेव को बना दिया। लेकिन दूसरा एक्सेप्ट इनको खराब दे दिया, बारहवें घर का स्वामी। बारहवां घर होता है आपके रोग का, व्यय का। बारहवां घर होता है खर्चों का, काफी हद तक आपको जिस भी चीजों की मतलब अननेसेसरी आपको परेशानियां प्राप्त होती है वो सारी चीजें बारहवें घर से प्राप्त होती है। बारहवां घर आपके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां भी क्रिएट करने वाला होता है, आपके जीवन में उस घर की हानि करने वाला होता है, आपके लग्न यानी कि शुक्रदेव की हानि करने वाला यहाँ पर बुधदेव को बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक कर अच्छा दे दिया और दूसरा कर इनको खराब दे दिया, तो ये अच्छे बुरे परिणाम आपको साथ में ही प्रदान करने वाले होंगे। कभी अच्छे परिणाम अगर बुधदेव दे देंगे तो कभी दूसरे बुरे परिणाम आप भी आपको दे देंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बुधदेव की कुछ साधारण सी बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। बुधदेव कुंडली के जिस किसी भी घर में होते हैं वहां से जस्ट सामने वाले घर को देखते हैं। बुधदेव की उच्च राशि कन्या, इनकी खुद की ही राशि बुधदेव की है वो उच्च राशि होती है और इनकी नीच राशि होती है देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि। बुधदेव कुंडली के लग्न स्थान में अगर विराजमान होते तो वहां पर ये दिशा बली होते हैं, इनको यहाँ पर स्थान बल प्राप्त होता है। अगर नैसर्गिक रूप में देखा जाए तो बुध किसी भी जातक के जीवन में बुद्धि के कारक होते हैं, व्यापार की जो भी स्किल्स होती है उसके कारक बुधदेव होते हैं। बुध आपके जीवन में अगर देखा जाए तो आपको जो भी लाभ प्राप्त होता है, व्यापार करने की जो बुद्धि आपके प्राप्त होती है या फिर बोलने की जो कला आपको प्राप्त होती है उसका स्वामित्व बुध के पास होता है। यहाँ पर लग्नेश शुक्रदेव ने बुधदेव को भाग्य स्थान और व्यय स्थान का स्वामित्व प्रदान कर दिया, लेकिन आप इनका रत्न कहाँ कहाँ धारण कर सकते हैं? अगर हो सकता है आप इनका रत्न लग्न में धारण कर दे तो क्या पता आपको व्यय बहुत बड़ा दे, खर्चा आपको काफी ज्यादा दे दे, आपके स्वास्थ्य की हानि यहाँ पर बुधदेव की स्थितियां करने लग जाए, तो अच्छी और बुरी चीजें सारी यहाँ पर ये आपको प्रदान करने वाले रहेंगे। ये कुछ बातें मैंने तुला लग्न और बुधदेव के बारे में आपको साधारण सी बताई। यहाँ पर ये कुंडली आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है, आप देख सकते हैं तुला लग्न की कुंडली है। और यहाँ पर कुंडली से एक चीज आप सभी से कहना चाहूंगा, किसी भी रत्नों को धारण करने से पहले आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि कोई भी रत्न धारण करने से पहले उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी, उसकी अवस्था क्या है, उस बल की स्थिति क्या बनी हुई है, दृष्टि संबंध क्या बना हुआ है, युति संबंध क्या है, नक्षत्र संबंध क्या है, जिस प्रयोजन से आप उस रत्न को धारण कर रहे हैं उस प्रयोजन वाली कुंडली में उसकी स्थिति क्या है, तात्कालिक मैत्री दूसरे ग्रहों के साथ क्या बनी हुई है, सारी चीजें देखने के बाद अगर आप कोई रत्न धारण करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करवा सकते हैं। यहां पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर यह जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है या फिर आप यह जानना चाहते हैं कब आपको व्यापार में अच्छी सी तरक्की मिलेगी, व्यापार कब अच्छे से चलेगा, कौन सा व्यापार आपके लिए फायदेमंद रहेगा, नौकरी में पदोन्नति कब मिलेगी, नौकरी में आपको प्रमोशन कब मिलेगा, नौकरी कब मिलेगी, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि कब आपको वैवाहिक जीवन में प्रवेश मिलेगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या फिर आपको संतान प्राप्ति कब होने वाली है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कब आपको मकान प्राप्त होगा, कब वाहन सुख की प्राप्ति होगी, कर्ज मुक्ति कब होगी, इस तरीके के बहुत सारे अगर आपके जीवन में सवाल है और आप कंफ्यूज रहते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिएगा और अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे अवश्य करिएगा। यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करेंगे
तुला लग्न की कुंडली में भाग्येश बुधदेव का रत्न पन्ना आप किन परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं और कब आप इसे धारण नहीं कर सकते। लग्न में ही अगर बुधदेव विराजमान है तो क्या आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं? अगर लग्न में बुधदेव विराजमान है तो तुला लग्न की कुंडली में आप इनका रत्न शुक्रदेव के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री देखते हुए धारण कर सकते हैं। आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर बुधदेव प्राप्त करवाने वाले रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए सेकंड हाउस में क्या आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं? दूसरे स्थान में भी भाग्य स्थान का रत्न धारण किया जा सकता है। भाग्य से धन सुख समृद्धि की वृद्धि यहाँ पर आपके लिए बुधदेव करते हुए रहने वाले हैं। वहीं अगर तीसरे स्थान की बात कर जाए तो यहाँ पर आपको बुधदेव का रत्न पन्ना नहीं धारण करना चाहिए। कर लेते हैं तो यहाँ पर मेहनत काफी आपकी बढ़ जाएगी। मेहनत आपको काफी हद तक छोटी छोटी चीजों के लिए करनी पड़ेगी और यहाँ पर बुधदेव का रत्न धारण किया हुआ कहीं ना कहीं परेशानियां छोटी मोटी चीजों में देगी। पिता के स्वास्थ्य की हानि भी आपको प्रदान कर सकती है। वहीं अगर बात कर जाए चतुर्थ स्थान में तो यहाँ पर आप इनका रत्न अवश्य धारण कर सकते हैं, लेकिन शुक्र के साथ या शनिदेव के साथ इनके तात्कालिक मैत्री दोनों ग्रह के साथ देखने के बाद आप धारण करें। आपको यहाँ पर माता भूमि मकान वाहन का सुख अच्छे से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पंचम स्थान की बात करी जाए तो यहाँ पर आप इनका रत्न अवश्य धारण कर सकते हैं। पंचम स्थान में बुधदेव का रत्न धारण किया हुआ कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट ही करने वाला रहेगा। आपको इनकम सोर्स के लिए कहीं ना कहीं फायदा प्राप्त कराएगा और भाग्य का स्वामी संतान से संबंध बना रहे तो संतान प्राप्ति के बाद भाग्योन्नति होती हुई आपको नजर आएगी। बात करी जाए छठे घर में आप यहाँ पर इनका रत्न धारण नहीं करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन क्योंकि एक चीज कहना चाहूंगा नीच राशि के होते हैं गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टिया पड़ जाए, गुरुदेव बृहस्पति इनके साथ आ जाए तब आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं अगर शुक्र बलि अवस्था में हो तो ही, क्योंकि यहाँ पर विपरीत राज्यों की स्थितियां भी बनेगी और निष्ठा अगर भंग हो जाती है और विपरीत राज्योग भी बन जाता है तब आपको यहाँ पर इनका रत्न धारण करने से नौकरी में अच्छी पदोन्नति प्राप्त होगी। नौकरी में काफी हद तक अच्छे फायदे यहाँ पर बुधदेव की स्थितियां प्रदान करवा सकती है। सप्तम स्थान की बात करें तो सातवें घर में बुधदेव का रत्न धारण किया जा सकता है और पत्नी प्राप्ति के बाद यानी कि वैवाहिक जीवन के बाद आपको जबरदस्त फायदे प्राप्त होंगे। आपको भाग्योन्नतिदायक समय देखने को मिलेगा। बुध का पन्ना यहां पर फायदे अच्छे से प्राप्त करा देगा, लेकिन मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री अवश्य देखिएगा और शुक्र की स्थितियां भी। बात कर जाए अष्टम स्थान में तो यहाँ पर अष्टम स्थान में शुक्रदेव की राशि में आते हैं यहाँ पर बुधदेव, लेकिन अगर यहाँ पर शुक्रदेव भी इनके साथ विराजमान है तो इस पन्ने को आप भूल जाइएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बुध के साथ अगर कहीं ना कहीं सूर्यदेव आगे पीछे ही चलेंगे, सूर्य साथ हो जाते हैं और बुध भी यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं और बुध यहाँ पर जो अस्त अवस्था के हो जाते हैं तो उस स्थिति में इनका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर शुक्र केंद्र त्रिकोण में चले जाते तब आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। विपरीत राज्यों की स्थितियां बनेंगी, उस स्थिति में आप धारण करेंगे तो फायदे अच्छे से रहेंगे, लेकिन यहां पर अगर आप पन्ना धारण करते हैं तो आपको एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड से, आपको तेजी मंदी से, शेयर मार्केट से काफी हद तक फायदे प्राप्त कर सकता है। आपको जो भी चीजें ऐसी होती है जो सिक्स सेंस से काम लेनी होती है उन चीजों में यहां पर बुध का रत्न पन्ना आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम प्रदान करने वाला रहेगा। यह चीज आप ध्यान रखिएगा। वही अगर बात करी जाए हमारे भाग्य स्थान में क्या आप इनका रत्न धारण कर सकता है तो भाग्य स्थान में आपको इनका रत्न धारण कर लेना चाहिए। यहाँ पर बुधदेव का रत्न धारण किया हुआ भाग्योदय वाला समय रहेगा, भाग्योन्नतिदायक समय आपको जीवन में देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर कम मेहनत में बड़े अच्छे फायदे यहाँ पर पन्ना आपको देने वाला है। बात करी जाए कर्म स्थान की तो चंद्रमा की स्थिति देख लीजिएगा, उसके पश्चात चांदी में आप पन्ना धारण कीजिए, फिर देखिए वारे न्यारे हो जाते हैं। चंद्रमा और बुध का योग अगर बन जाता है तो जीवन में आपको कर्म क्षेत्र से काफी हद तक अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इलेवंथ हाउस की बात करी जाए तो यहाँ पर बुध का पन्ना आप इलेवंथ हाउस में अच्छे से धारण कर सकते हैं। आय वृद्धिदायक समय देखने को मिलेगा, भाग्य में आपको लाभ और प्रॉफिट अच्छे से प्राप्त होते हुए नजर आएंगे, बड़े लोगों से अच्छे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। पुत्री संतान की प्राप्ति करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको भाग्योन्नति जबरदस्त देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए बारहवें घर में तो उच्च राशि के हो जाते हैं, खुद की राशि उच्च राशि है तो यहाँ पर आप इनका पन्ना धारण कर अच्छे विदेश में सेटलमेंट होने का योग भी बना सकते हैं और यहाँ पर आपका धारण किया हुआ पन्ना आपको विदेश में बहुत अच्छे फायदे प्रदान कर लेगा। देश में आपको कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम प्राप्त कराएगा और पन्ने यहाँ पर अगर आप धारण करते हैं और शुक्र बलि हो जाते हैं, शुक्र केंद्र स्थान में चले जाते हैं तो आपको शानदार परिणाम यहाँ पर बुध की स्थितियां प्रदान करने वाली रहेगी। तो ओवरऑल यहाँ पर आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि तुला लग्न की कुंडली में भाग्येश बुधदेव का रत्न पन्ना आप किन परिस्थिति में धारण कर सकते हैं और किस परिस्थिति में आपको इसे धारण नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उसको कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे अवश्य करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की।
आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।